जी क्लास, अस्सलाम वालेकुम। आज कोई भी नहीं आया ऑन कैंपस, बारिश की वजह से नहीं आया। अच्छा, आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है, अच्छा स्टार्ट करें लेक्चर, क्योंकि काफी टाइम हो गया। अभी मैं समझ रही थी आएंगे स्टूडेंट्स, आज कोई स्टूडेंट नहीं आया, ऑनलाइन ही आज पे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है कार्पल टनल सिंड्रोम। जिस तरह मैंने आपको रिस्क, या फिर उससे पहले हम लोग अपर लिम की पैथोलॉजीज में पढ़ रहे थे कि एक सिंड्रोम है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है अपर एक्सट्रीमिटी में, डैट वॉज द कार्पल टनल सिंड्रोम। और थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि ये किस वजह से होता है। आज उसको थोड़ा सा डिटेल्ड पढ़ेंगे, इसके क्या सिम्टम्स हैं, पेशेंट किन कंप्लेन के पास आपके पास प्रेजेंट करेगा, और अगर आप उसका अल्ट्रासाउंड करते हो तो उसमें आपको क्या चीजें नजर आती हैं। ठीक है, तो कार्पल टनल सिंड्रोम बेसिकली जो है, हमारे पास जो रिस्ट के अंदर मीडियन नर्व है उसके कंप्रेशन की वजह से ये सिंड्रोम होता है। ठीक है, तो बस ये पहले तो याद रखो ना कि ये कार्पल टनल सिंड्रोम किस नर्व का कंप्रेशन है। इट्स मीडियन नर्व कंप्रेशन, जो हमारे रिस्ट के अंदर आपके पास टनल बन रहा है, जिसको कार्पल टनल हम लोगों ने रिस्ट में पढ़ा था, उसके अंदर मीडियन नर्व की कंप्रेशन। अब उस कंप्रेशन, हमारे पास कंप्रेशन है, उसके डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं। ठीक है, अब या तो वो कोई ट्रॉमा की वजह से वहां पे कंप्रेशन आया है, हमारे पास वहां पे सराउंडिंग में बोन्स पड़ी हुई हैं, फ्लेक्सर्स बस टेंडन्स गुजर रहे हैं वहां से, उनका कंप्रेशन आ सकता है। ठीक है, प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ज्यादा ये चीज कॉमन होती है। क्या होता है कि जो हमारे ज्वाइंट्स होते हैं ना, उनके अंदर फ्लूड की एकोमुलेशन ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह साइन हो गया फ्लूड जहां जहां ज्वाइंट होंगे। तो क्या होगा कि जिस रिस्ट ज्वाइंट है वहां पे भी फ्लूड जो है वो बढ़ जाता है, और उसकी वजह से भी वो मीडियन नर्व के ऊपर कंप्रेशन कॉज कर सकता है। ठीक है, इसी तरह ओबेसिटी जो है उसके अंदर भी चांसेस है कि वो मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाए। दीज आर सम कॉजेस। ठीक, पेशेंट फिर इन किस ये कंप्रेशन के बाद कुछ कंप्लेन्स के साथ आता है। आपको ये चीज पता होगी कि हमारे पास जितनी भी नर्व की कोई भी डिजीज होती है, न्यूरोपैथी के अंदर जो आपके पास सिम्टम्स आते हैं, पेशेंट प्रेजेंट करता है, वो ज्यादातर जो है वो आता है आपके पास टिंगलिंग सेंसेशंस के साथ। ठीक है, मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा, कभी आप लोग ज्यादा एक साइड पर रात को सोए हो तो सुबह आप उठते हो तो आपको जो अपनी एक बाजू है वो थोड़ी सोई सोई सी फील होती है। ठीक है, नमनेस फील होती है उसके अंदर, ऐसा लगता है जिस तरह उसमें जान ही नहीं है, ऐसे टिंगलिंग इफेक्ट्स आ रहे होते हैं। ठीक है, वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि समटाइम हमें नहीं सोते पता चलता, हम लोग एक साइड पर ज्यादा सो जाते हैं तो हमारे जो ब्रेकियल नर्व्स हैं मे बी वो कंप्रेस हो गई है। ठीक है, आपकी पोजीशन इस तरह की थी, आपका पोस्चर इस तरह का, जिसकी वजह से कंप्रेस हो गई है नर्व। जब भी कंप्रेस होगी नर्व, उस तरह की आपके पास सेंसेशंस आएंगे, उस तरह की पेन होगी। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास सिम्टम्स के, नर्व की वजह से किस तरह के आपके पास सिम्टम्स आते हैं। फिर हमारे पास इन्वेस्टिगेशन में आ जाओ, तो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन में क्या हो सकती हैं? सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन में हम लोग करते हैं अल्ट्रासाउंड। ठीक है, फिर हमारे पास और भी मोडेलिटी है फॉर डिटेल्ड इमेजिंग, वो हम आज पढ़ते हैं कि कौन सी जो मोडेलिटी है वो हमारे पास बेहतर इन्वेस्टिगेट कर सकती है फॉर द कार्पल टनल सिंड्रोम। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन हो गई, हमने डायग्नोज कर लिया कि इसको कार्पल टनल सिंड्रोम है, देन उसको हम ट्रीटमेंट, हम नहीं ट्रीटमेंट करते लेकिन ये ज्यादातर फिजियोथेरेपी वालों का काम है, हम ट्रीटमेंट को भी आज थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं। दो तरह के, कंजर्वेटिव और सर्जिकल या ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, सर्जिकल के अंदर ऑब्वियसली जो कॉज कर रहा है कंप्रेशन उसको सर्जिकली ट्रीट किया जाता है, अदरवाइज जो है कंजर्वेटिव्स के अंदर जो है कुछ पेन रिलीफ मेडिसिन दी जाती हैं, या फिर हमारे पास कुछ वो ऐसे होते हैं वो जो फिजियोथेरेपी वालों के पास, उनको ज्यादा बेहतर पता होता है इन चीज़ों का कि किस तरह नर्व्स की जो है ना उनको ट्रीटमेंट कर सकते हैं विदाउट सर्जरी। ठीक है, तो आज का लेक्चर सारा यही है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इसको वन बाय वन अब स्टार्ट करते हैं। कॉज मैंने आपको जिस तरह बताई है, इट अकर्स मोस्ट ऑफन इन पेशेंट 30 to 60 ईयर्स ओल्ड, 2 to 3 टाइम्स मोर कॉमन इन वुमेन देन इन मेन, एंड मे अफेक्ट 1% to 10% ऑफ द पॉपुलेशन। अबव 30 की एज में ये ज्यादा कॉमन हो जाता है और वुमेन में ये चीज ज्यादा है। ठीक है,
इंट्रोडक्शन क्या होगा इसका, इज द मोस्ट कॉमन अपर एक्सट्रीमिटी कंप्रेशन न्यूरोपैथी रिजल्ट्स फ्रॉम द मीडियन नर्व कंप्रेशन विद इन द कार्पल टनल. ये अब हमें पता चल गया, कार्पल टनल सिंड्रोम इज द कंप्रेशन ऑफ द मीडियन नर्व. कार्पल टनल हमने देखा था जब हमने रिस्ट पढ़ा था कि उसके अंदर कौन से जो है ना कॉन्टेंट्स थे जो गुजर रहे थे, वहां पे हमारे पास फ्लेक्सर्स ज्यादातर टेंडन थे कार्पल टनल, उसके साथ मीडियन नर्व गुजर रही थी. ठीक है, तो उसके कंप्रेशन की वजह से हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम डेवलप होता है. सो दिस इज द मीडियन नर्व जो कि देख रहे हो रिस्ट के बिल्कुल सेंटर से गुजर के आगे आपकी फिंगर्स को जो है वो सप्लाई दे रही है. ठीक है, उसकी सेंसेशंस जब भी खत्म होंगे तो ये फिंगर्स के अंदर इस तरह हमारे पास मीडियन नर्व इन एरिया में जाके आपको प्रॉब्लम कर सकती है. तो मीडियन नर्व इज कंप्रेस एट द रिस्ट रिजल्टिंग इन अ नंबनेस और द पेन. अच्छा, कार्पल टनल की एनाटमी अगर देखें तो हम लोगों ने रिस्ट में ये चीज पढ़ी थी कि उस के किस तरह में बनता है, उसके कंटेंट्स क्या हैं और उसकी बाउंड्रीज और इंटीरियर पोस्टीरियर हमारे पास. ये बस आपने याद करना है, पोस्टीरियर बॉर्डर हमारे पास कार्पल बोन्स बना रही है, इंटीरियर बॉर्डर हमारे पास कार्पल लिगामेंट बना रहा है, उसके जो साइडों पे बाउंड्रीज हैं प्रॉक्सिमल और डिस्टली उसको जो है हमारे पास जो बोन्स थी लास्ट में पिसीफॉर्म और नीचे जो थी हैमेट एंड टूबरकल ऑफ ट्रेपीजियम, ये हमारे पास बाउंड्रीज हमारी बोन्स की बनाई थी. अगर इस पिक्चर को देखो तो आपको अंदाजा होगा कि बोन्स किस तरह हमारी इनको क्या कहते हैं उसकी कार्पल टनल की पूरी चारों तरफ की बाउंड्रीज बनाई थी, उसके सेंटर में बिल्कुल मीडियन नर्व मिलेगी. कॉन्टेंट्स हमारे पास, हमें पहले पता है कि इसके अंदर फ्लेक्सर्स डिजिटोरम या हमारे पास जितने भी फ्लेक्सर्स टेंडन्स हैं डैट विल बी पासिंग थ्रू दिस टनल और मीडियन नर्व के बिल्कुल सेंटर में हमें मिलेगी, सुपरफिशियली मिलेगी. अगर मैं आपको दिखाया भी था इसके अंदर बिल्कुल राउंडेड सी एक और उसके अंदर एकोजेनिक छोटे छोटे से डॉट्स नजर आ रहे थे, डैट रिप्रेजेंट्स द मीडियन नर्व. ठीक है, डैट इज द एनाटमी. पेशेंट किन कंप्लेंट्स के साथ प्रेजेंट करेगा, नंबर वन इज द पेन. ठीक है, दूसरी है टिंगलिंग एंड नंबनेस. टिंगलिंग भी वो ऐसे होता है ना जैसे कैसे इसको कह सकते हैं, जैसे वो क्या कहते हैं इसको टिंगलिंग को, जैसे सुइयां चुभना या फिर ऐसे ऐसे फील होना जैसे कोई चीज अंदर मूव कर रही है ऐसे, उसको टिंगलिंग इफेक्ट कहते हैं. और नमनेस तो आपको पता है जिस तरह बिल्कुल ही उसके अंदर जान ही नहीं है, नम हो जाता है वो. और पैरेस्थीसिया या थिनर मसल्स एट्रोफी, थिनर मसल्स कौन से हमारे जो थम के मसल्स है उनकी एट्रोफी हो जाती है. पेशेंट इन कंप्लेंट्स के साथ आपके साथ आपके पास प्रेजेंट करेगा तो आप कह सकते हो कि ये अगर इस तरह की सेंसेशंस उसको नहीं आ रही हैं तो डैट मीन्स उसको कोई नर्व की प्रॉब्लम आ रही है. और जो नर्व की प्रॉब्लम है वो मोस्टली अगर रिस्ट के पास उसको फिंगर्स में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है. और आपको पता है कि मीडियन नर्व जो है वो सप्लाई कर रही है. ठीक है, तो मीडियन नर्व के कंप्रेशन की वजह से इन कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है. रिस्क फैक्टर स्किन के अंदर ये डेवलप हो सकता है, फीमेल्स के अंदर ज्यादा कॉमन है ये कार्पल टनल. उसके अलावा ओबेसिटी, ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग एंड वाइब्रेशन एसोसिएटेड विद जॉब टास्क, वो वाले खास तौर पे मैंने देखे हैं जो टाइपिस्ट होते हैं ना जिन्होंने ज्यादातर टाइपिंग वाला काम करना होता है और उनकी रिस्ट इस तरह रहती है. आपने खुद अपनी देखो टेबल पे यू रिस्ट रख के तो आपकी रिस्ट जो है वो फ्लेक्सर साइड से जो है ना कंप्रेस हो रही है. ठीक है, जिनका काम बहुत ज्यादा कंप्यूटर पर बैठ के टाइपिंग वाला काम है या इस तरह की जॉब है जिसकी वजह से उनकी रिस्ट इस तरह कंप्रेस हो रही है, उनमें ये चीज बहुत कॉमन है. ठीक है, बाकी तो है ही है, लेकिन जो जॉब एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स हैं वो ये कि वो जो भी टाइपिस्ट है या कंप्यूटर वर्कर है, ठीक है, उनके अंदर चांसेस हैं कि ये वाला सिंड्रोम डेवलप हो जाए. ठीक है, तो क्यों, क्योंकि उन्होंने आपके जो फ्लेक्सर साइड है और कार्पल टनल है उसके ऊपर कंप्रेशन आता ही आता है जब आपने यूं अपने रिस्ट रख के टाइपिंग करनी है और काफी टाइम तक उनकी जॉब ही इस तरह की है तो वो आता है उसके ऊपर कंप्रेशन मीडियन नर्व के ऊपर और पेशेंट कंप्लेंट्स के साथ आ सकता है. ठीक है, इसके अलावा और क्या हमारे पास आ सकते हैं, ओबेसिटी हो गया है. ठीक है, डायबिटीज जिनको प्रॉब्लम है उनके अंदर भी ये कॉमनली हो सकता है. थायराइड डिसफंक्शन में अमेलॉइडोसिस, ये क्या होता है, हमारे पास एक एबनॉर्मल प्रोटीन है जिसका बिल्डअप हो जाता है बॉडी के अंदर एबनॉर्मली, डिफरेंट वो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको डिफरेंट ऑर्गन्स का को प्रॉब्लम कर सकता है. ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर हैबिचुअल स्लीपिंग पोस्चर या इडियोपैथिक, उसका कोई कॉज हमें समटाइम्स नहीं मिलता कि इसके अंदर कोई कंप्रेशन है, पेशेंट कोई ऐसी हमने हिस्ट्री ली है उसकी कोई ऐसी जॉब नहीं है, कहता है बस ठीक है पता नहीं है कॉज, लेकिन फिर भी उसका कंप्रेशन हो सकता है. तो ये स्लीपिंग पोस्चर का तो मैंने आपको बताया समटाइम्स हमें नहीं पता चलता. ठीक है, खासतौर पर आप लोग टीवी देख रहे होते हैं और नेक के अंदर आपको नहीं पता सोफे पर लेट गए, ठीक है, पोस्चर उसकी वजह से आपकी नर्व्स के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है. रात को आपने पोस्चर नहीं प्रॉपर रखा,
ठीक है, तकिया ऊंचा नीचा, ये उसकी वजह से नर्व के अंदर कंप्रेशन आ जाती है और उसकी वजह से इसी तरह की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अच्छा पैथोफिजियोलॉजी क्या है? प्रेशर्स और ऑफ मोर देन 20 to 30 mm इम्पीड्स एपिन्यूरल ब्लड फ्लो एंड नर्व फंक्शन इज इम्पेयर्ड। ठीक है, जितना उसका प्रेशर या फिर हमारी जो वो है नर्व है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगली स्लाइड पे मैं बताती हूँ कितना नॉर्मल होता है, अगर उससे एक्सीड कर जाता है और उसका प्रेशर बढ़ जाता है डेट विल कॉज द कंप्रेशन ओवर द मीडियन नर्व। अब रिडक्शन इन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिटी, ठीक है, इसमें है मेल अलाइनमेंट या पुलिस स्ट्रक्चर, इडीमा, इंफेक्शन, ट्रॉमा या ट्यूमर्स, ये सारे जो है कॉजेज हो सकते हैं। इडीमा है, आपके पास फ्लूड एक्युमुलेट हो गया उस जगह पे, इन्फेक्शन या ट्रॉमा या ट्यूमर्स, ये सारी चीजें क्या कॉज करेंगी आपके पास, उस जगह का कंप्रेशन कॉज करेंगी। ठीक है, ट्यूमर है ऑब्वियसली उसने सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स पे कंप्रेशन, ट्रॉमा है गिरा है कहीं पे या कोई चोट आई है तो उसने उस जगह पे कंप्रेशन कॉज किया है, इन्फेक्शन या एडिमा उसकी वजह से फ्लूड ज्यादा हो गया है और फ्लूड से फ्लूड ने क्या करना है आपके सराउंडिंग स्ट्रक्चर को कंप्रेस कर देना है। फैक्टर्स दैट इन्वॉल्व इन द पैथोजेनेसिस क्या हो सकते हैं? डिक्रीज इन द साइज ऑफ द कार्पल टनल, जब पूरा का पूरा कार्पल टनल का साइज ही डिक्रीज हो जाता है ऑब्वियसली वो मीडियन नर्व पे कंप्रेशन करेगा। इंक्रीज इन द कॉन्टेंट्स ऑफ द केनाल, जो चीजें उस कार्पल टनल से गुजर रही हैं, इंक्रीजेस इन द कॉन्टेंट्स मीन्स उनके इन्फ्लेमेशन की वजह से उनका साइज इंक्रीज हो गया जिसने कंप्रेशन कॉज किया। इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं, ऑल्ट्रेशंस ऑफ द फ्लूइड बैलेंस या एक्सटर्नल फोर्सेस, दीज आर ऑल द कॉजेस दैट विल कॉज मीडियन नर्व कंप्रेशन। अच्छा डायग्नोसिस की तरफ आ जाओ। अब हम लोग, मैंने आपको बताया था, एक तो हम लोग डायग्नोसिस करते हैं थ्रू टेस्ट, ये फिजियोथेरेपी वालों को टेस्ट के बारे में काफी अंदाजा होगा कि उसके पास अगर पेशेंट इन कंप्लेंट्स के साथ आया तो वो सबसे पहले उसको उसका कोई टेस्ट करेंगे। ठीक है, वो टेस्ट मैं अभी आपको बताती हूँ कौन कौन से टेस्ट होते हैं। ठीक है, और उन टेस्ट को देखते हुए अगर वो पेन कॉज कर रहे हैं, नमनेस हो रही है जो हमने अभी उसके सिम्टम्स पढ़े थे, तो वो हम लोग उस तरह भी डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज जो इन्वेस्टिगेशन में जाएं तो फिर हम लोग फिर इमेजिंग मोडालिटीज की तरफ उसको जाके मीडियन नर्व को प्रॉपरली विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टेस्ट हैं जिसको हम ये करवा के उसको जो है देखते हैं। नंबर वन इज द रिस्ट फ्लेक्शन, फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास नर्व परकशन और टॉर्निकस टेस्ट। ठीक है, अब इनको वन बाय वन देख लेते हैं। नंबर वन साइन जिसको हम डायग्नोज करने के लिए, ये तीन आप लोगों ने याद रखे। नंबर वन इज द टीनल साइन, इसमें क्या होता है कि आपके इस तरह परफॉर्म करते हैं कि इसकी पहले पिक्चर देखो आपको समझ आए। ये देखो यहाँ से ना मीडियन नर्व गुजर रही है। ठीक है, फिंगर से ना आपको इस जगह पे इसको टैप करते हैं, इस तरह टैप 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 टैप, इस जगह टैप करने से पेशेंट कंप्लेन करेगा, उसको सेंसेशन पेन्स एंड नीडल्स, इस तरह के उसको टिंगलिंग इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा जब आप उसके नर्व के ऊपर इस तरह का कंप्रेशन दे रहे हो। ठीक है, तो इट इज परफॉर्म बाय लाइटली टैपिंग ओवर द नर्व to elicit a sensation of tingling or pins and needles in the distribution of the median nerve. तो एक इसको टेस्ट को कहते हैं टीनल टेस्ट, इसके लिए हम लोग टैप करते हैं मीडियन नर्व को जिसकी वजह से पेशेंट कंप्लेन करेगा, उसको टिंगलिंग और पिंस और इस तरह उसको ऐसे लगता है सुइयां चुभ रही होती हैं उसके हाथ में या इस तरह करके उसको सेंसेशन आती हैं, तो आप इसको डायग्नोज करने के लिए ये टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है फैलन टेस्ट। ये क्या होता है कि इसमें आप पेशेंट के दोनों रिस्ट को, पिक्चर पहले देखो, इस तरह दोनों जो आपके हैंड्स है ना उनको इस तरह दोनों को साथ मिला के नीचे की तरफ को जो है इस पोजीशन में रखते हो। इस पोजीशन में 30 सेकंड्स के लिए पेशेंट को कहेंगे कि आपने अपने हाथ को इस तरह रखना है, तो पेशेंट साथ ही कंप्लेन करेगा पेन के साथ और उसको वही सिम्टम्स अपीयर्स होंगे, तो आप कहोगे कि ये डायग्नोज करने के लिए कि इसको कार्पल टनल सिंड्रोम है। ठीक है, द पेशेंट इज आस्क टू होल्ड देयर रिस्ट इन कंप्लीट एंड फोर्स्ड फ्लेक्शन, जो कि मैंने अभी पोजीशन बताई है, 30 to 60 seconds के लिए द reappearance ऑफ द symptoms occur। ठीक है, ये दूसरा टेस्ट आपको बस अगर मैं अगर पिक्चर देती हूँ डायग्राम में इन टेस्ट की, तो आप फॉरन से टेस्ट बता दो ये टेस्ट कौन सा परफॉर्म किया जा रहा है, और अगर मैं पूछती हूँ कि ये वाला टेस्ट है तो ये किस लिए परफॉर्म किया जाता है, तो डायग्नोज द कार्पल टनल सिंड्रोम। ठीक है, ये देख लिया आपने, ये फैलन टेस्ट। फिर तीसरा है रिवर्स फैलन टेस्ट, ये जो नीचे की तरफ को हाथ है जिस तरह प्रेइंग पोजिशन होती है ना, ये देखो ये वाली आपके हैंड्स ऊपर की तरफ, इस पोजीशन में भी आप या फिर आप एक हाथ को पीछे की तरफ फोर्सफुली एक्सटेंड करोगे तो पेशेंट कंप्लेन के साथ आपको प्रेजेंट करेगा, और उसमें भी ये होता है कि पेशेंट की सेंसेशंस उसी तरह आपको क्या कह सकते हैं फील होंगी।
ठीक है, तो उसमें आप डायग्नोज कर दोगे कि इस पेशेंट को क्या है, कार्पल टनल सिंड्रोम। तीनों टेस्ट याद रहें, ठीक है। रीनल क्या होता है, आपने टैप करना है, तीसरा दूसरा क्या है, आपने फेलन टेस्ट, और तीसरा रिवर्स फेलन टेस्ट, ठीक है। तो ये टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं टू डायग्नोज द कार्पल टनल। अच्छा, एक और है टेस्ट जिसको कहते हैं डर्कन टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है, डायरेक्ट कंप्रेशन इज अप्लाइड टू द मीडियन नर्व फॉर 30 सेकंड विद द थंब। अब उसके अंदर जो टीनल था उसके अंदर क्या करते थे, हम टैप कर रहे थे हल्का हल्का हल्का, जिसमें टैप करते हैं ना, टैपिंग वाली इसमें थी। इसके अंदर आपने खुद से उसके ऊपर थोड़ी 30 सेकंड्स के लिए कंप्रेशन देना है, जिसको डर्कन टेस्ट कहते हैं। पेशेंट्स विद CTS कार्पल टनल सिंड्रोम यूजुअली हैव सिम्टम्स ऑफ नंबनेस, पेन एंड पैरास्थीसिया इन द मीडियन नर्व डिस्ट्रीब्यूशन। कंप्रेशन दिया, पेशेंट के आगे सेंसेशन इसी तरह खत्म, ठीक है, उसको पेन आना स्टार्ट हो जाएगी, नंबनेस शुरू हो जाएगी, दैट मीन्स उसके कार्पल टनल सिंड्रोम है। इस तरह मीडियन नर्व कंप्रेशन दे रहे हैं। फिर हमारे पास क्या है, मोडेलिटीज टू विजुअलाइज द कार्पल टनल सिंड्रोम। वी हैव CT स्कैन, वी हैव अल्ट्रासोनोग्राफी एंड MRI, ठीक है। ये हमारे पास मोडेलिटीज हैं जिससे हम लोग मीडियन नर्व को देख सकते हैं। बट CT स्कैन हमारे पास, हमें पता है कि इट डिस्प्लेज द बोनी स्ट्रक्चर क्लियरली बट डज नॉट डिफाइन द सॉफ्ट टिश्यू एक्यूरेटली। तो CT स्कैन कैंसिल, खत्म, हम इससे अपने मीडियन नर्व या कार्पल टनल सिंड्रोम को रूल आउट नहीं कर सकते। दूसरा हमारे पास आ गया अल्ट्रासाउंड, और तीसरा MRI। अल्ट्रासाउंड के अंदर अब ये डायनेमिक इमेजिंग है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग कुछ टेंडन्स भी ड्यूरिंग स्कैन मूवमेंट करवा के उनको विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी हमारे पास एक खास कंडीशन हो तो ही हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, और बेस्ट तो हमारे पास MRI है ही है फॉर द सॉफ्ट टिश्यू। तो अल्ट्रासाउंड में क्या है, इट शोज द मूवमेंट ऑफ द फ्लेक्सर टेंडन विद इन द कार्पल टनल, बट इट डज नॉट क्लियरली शो सॉफ्ट टिश्यू प्लेन्स, जिस तरह के हम लोग MRI या CT के अंदर डिफरेंट प्लेन्स, एक्सियल प्लेन्स स्लाइस बाय स्लाइस ले सकते हैं। इसके अंदर हम लोग उस तरह प्लेन्स नहीं ले सकते हैं, ठीक है। आप बस इसके अंदर ड्यूरिंग मूवमेंट कुछ चीजें देख सकते हो, आप इसके फ्लेक्सर्स वहां से गुजर रहे हो, उसकी मूवमेंट करवा के, मैंने आपको दिखाया भी था अपनी फिंगर्स मूव करके किस तरह फ्लेक्सर टेंडन्स मूव कर रहे थे, और अगर वो कोई कंप्रेशन कॉज कर रहे हैं मीडियन नर्व के ऊपर, तो वी कैन विजुअलाइज इट इजिली ऑन अल्ट्रासोनोग्राफी बिकॉज इट्स अ डायनामिक इमेजिंग, ठीक है। तो आप मूवमेंट के थ्रू जो है वो उसके कंप्रेशन देख सकते हो। एंड लास्ट इज द MRI, जो हमारे पास बेस्ट मोडालिटी है टू सी द सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्रास्ट विच गिव्स डिटेल्ड इमेजेस ऑफ द बोन्स एंड सॉफ्ट टिश्यू, नॉट जस्ट बोन्स, आपको सॉफ्ट टिश्यूज और बोन्स हर चीज, नर्व की इवन बहुत क्लियरली इमेजेस नजर आते हैं, नर्व्स हमारे इसमें बड़े क्लियर नजर आते हैं। जी क्लास यही हो रही है बेटा, क्लास भी खत्म होने वाली है, अब तो आ जाओ बैठ जाओ, मुझे तो कोई भी नहीं आ जाएगा इसलिए मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, ठीक है। कार्पल टनल सिंड्रोम हम लोग पढ़ रहे थे, और इट इज ड्यू टू द कंप्रेशन ओवर द मीडियन नर्व, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो उसके बस थोड़े से टेस्ट पढ़े हैं हमने कि किस तरह हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं, इसको कंप्रेशन देके इसके ऊपर डिफरेंट इफेक्ट्स के साथ। फिर हम मोडेलिटीज अब पढ़े हैं कि इसको हम लोग किस तरह विजुअलाइज कर सकते हैं। CT स्कैन है हमारे पास, अल्ट्रासाउंड है, और तीसरा MRI है। CT स्कैन इज बेस्ट फॉर द बोनी स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जिस तरह यहाँ लिखा हुआ डिस्प्लेज द बोनी स्ट्रक्चर्स क्लियरली बट डज नॉट डिफाइन द सॉफ्ट टिश्यू एक्यूरेटली। अब ये मीडियन नर्व का कंप्रेशन है, तो मीडियन नर्व हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू कॉन्टेंट है। अल्ट्रासाउंड में भी हम लोग क्या करते हैं, इट्स अ डायनामिक इमेजिंग, और उसमें हम मूवमेंट करवा के जो है उसको देख सकते हैं, जो कि कंप्रेशन उसके ऊपर कॉज कर सकती है मीडियन नर्व के ऊपर। तो हमें पता है कि कार्पल टनल के कॉन्टेंट्स में फ्लेक्सर टेंडन्स हैं वो जो गुजर रहे हैं वहां पे, तो हम फ्लेक्सर टेंडन्स को, जो कि मैंने अभी अल्ट्रासाउंड में भी एक दफा दिखाया था, अपने फिंगर्स को मूव कर रही थी, मेरे टेंडन्स मूव कर रहे थे, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड में हम लोग इस तरह मूव करवाते हुए कंप्रेशन देख सकते हैं कि इज इट कॉजिंग कंप्रेशन ड्यू टू द मूवमेंट, ठीक है, तो वो हम अल्ट्रासोनोग्राफी में देखेंगे, ठीक है। बेस्ट हमारे पास इमेजिंग मोडालिटी MRI है, जो कि नॉट जस्ट बोनी स्ट्रक्चर्स, हमारे पास सॉफ्ट टिश्यूज, इवन नर्व, सब कुछ जो है वो क्लियरली डिटेल्ड इमेज MRI पे नजर आती है। अब MRI हमारे पास कोई कम डायग्नोज करना हो, कंफर्म कुछ, तब हम MRI के लिए रेफर करेंगे। अदरवाइज अगर कोई पेशेंट को पेन और इसके लिए आया, तो पहले अल्ट्रासाउंड पे हमें शक हो रहा है कि इट्स कार्पल टनल सिंड्रोम, या फिर हमारे पास ये नर्व का कुछ इस तरह का है, कोई ट्यूमर वगैरह भी हो सकता है जिसने कंप्रेसेस को किया है, तो उसकी डिटेल्ड हम लोग स्टडी के लिए फिर MRI करवाते हैं। अदरवाइज हम रूटीनली MRI नहीं करवाते हर एक की, ठीक है। जहाँ पे हमें पता हो कि नर्व कंप्रेस हो रही है, जिसमें शैटिका या लो बैक पेन के पेशेंट्स आते हैं, ठीक है, उनमें तो कंफर्म हम MRI ही करते हैं डिटेल्ड इमेजिंग के लिए, क्योंकि उसमें तो अल्ट्रासाउंड भी नजर नहीं आती। फिर हमारे पास व्हाट विल बी द रेडियोग्राफिक फीचर्स,
ठीक है, अल्ट्रासाउंड एंड एमआरआई आर टू इमेजिंग मोडालिटीज विच बेस्ट लेंड देमसेल्फ टू इन्वेस्टिगेट इंट्रैपमेंट सिंड्रोम। वी ऑल नो दोनों हमारे पास ऐसी इमेजिंग मोडालिटीज हैं जिसके ऊपर हम सॉफ्ट टिश्यूज को इजीली डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक है, अल्ट्रासाउंड में क्या होता है, इमेजिंग मीडियन नर्व सिंड्रोम अल्ट्रासाउंड इज यूजफुल इन एग्जामिंग कार्पल टनल सिंड्रोम पोटेंशियली रिवीलिंग इन फुली डेवलप केसेस अट्राइड। इसमें क्या चीजें हमें नजर आ सकती हैं, अल्ट्रासाउंड पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो कार्पल टनल सिंड्रोम है, कार्पल टनल सिंड्रोम हमें क्या 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 उसमें चीज नजर आएगी तो हम कहेंगे कि कार्पल टनल। नंबर वन, मीडियन नर्व हमने देखी थी, छोटी सी राउंड सी थी पड़ी, उसके अंदर व्हाइट डॉट्स नजर आ रहे थे आपके रिस्ट में। ठीक है, अगर वो ओवल सी है और हमें फील हो रहा है उसके ऊपर कंप्रेशन आया हुआ है, ठीक है, वो जिस तरह पिचकी हुई नजर फील होगी, इस तरह थोड़ी सी इलांगेटेड सी लंबी सी ट्रांसवर्सली अगर नजर आती है, डेट मीन उस पर कंप्रेशन आ रहा है, हमने उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मेजर करना। जिस तरह कैलिपर को मैं प्रेस करती थी तो सिंपल हम डिस्टेंस लेते थे ना, उसके सामने यहाँ पे एरिया का भी बटन आ रहा था, एरिया को प्रेस करेंगे उसकी एरिया को यूं करके राउंडली हम लोग जो है उसको मेजर करेंगे तो हमारे पास एरिया कितना आना चाहिए। नॉर्मल जो लास्ट लाइन देखो, नॉर्मल 9 से 11 तक नॉर्मल एरिया होता है। इफ इट इज एक्सीडिंग दिस नॉर्मल वैल्यू तो वो हमारे पास क्या होगा, उसका कार्पल टनल सिंड्रोम है। ठीक है, नंबर वन तो हमने उसकी शेप देख के बता दिया कि वो डिस्टल फ्लैटनिंग ऑफ द नर्व है, एनलार्जमेंट ऑफ द नर्व प्रॉक्सिमल टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी मोर देन 9 to 11। ठीक है, ये आपने रेंज याद रखनी है, दिस इज द नॉर्मल रेंज। इफ इट एक्सीड्स तो वो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो जब हम उसको लेते हैं एरिया को, जिस तरह हम अल्ट्रासाउंड पे ले रहे थे उसको मेजर कर रहे थे, इफ इट इज मोर देन 11 तो वो हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम। ये देखो तो ये हमारे पास रिस्ट के अंदर इसी तरह रिस्ट आपको नजर आता था ना एक्सियल के अंदर, ये मेरे गोल गोल से जो इस तरह की व्हाइट कलर की नजर आ रही थी, दीज वर द कार्पल बोन्स, और ये ऊपर जो आपको नजर आ रही है ना राउंड सी, और इसके अंदर आपको छोटे छोटे से व्हाइट डॉट्स नजर आ रही हैं, दिस इज द मीडियन नर्व। अगर आप इसको गौर करो तो ये इसके अंदर कंप्रेशन आया हुआ है और ये थोड़ी सी पिचकी हुई नजर आ रही है, थोड़ी सी राउंड नहीं मिल रही आपको, ओवल लग रही है और इलांगेटेड सी लग रही है, कंप्रेशन उस पर है। ठीक है, ये देखो ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इस तरह हम लोग लेते हैं। ठीक है, मीडियन नर्व जहां नजर आई आपने क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया को प्रेस किया और इसको सर्कली आपने इस तरह इस तरह इस तरह इसको ले जाकर कर्सर को इसको यहाँ पे सेट कर दिया तो आप क्रॉस सेक्शनल एरिया नीचे बता देगा, और इफ इट इज मोर देन 11 तो वो हमें बताएगा कि दिस इज कार्पल टनल सिंड्रोम। अब ये देखो ये कितना इलांगेटेड हो गई है, इस तरह लंबी सी इतनी बड़ी नहीं होती है लेकिन ड्यू टू द कंप्रेशन इसके अंदर इस तरह की इसकी अपेयरेंस है। ठीक है, ट्रीटमेंट अब हमारे पास कार्पल टनल के क्या असर, मैंने दो बताए थे, नंबर वन इज द कंजर्वेटिव है, दूसरे के सर्जिकल ट्रीटमेंट है। कंजर्वेटिव के अंदर क्या हो सकता है, या तो हम उसको पेशेंट को कहते हैं कि आपने नाइट स्प्लिंट्स होते हैं ना वो जो क्या हाथ पे भी बांधते होते हैं, बॉयज को पता होता है वो जो बाइक चलाते भी पहनते ग्लव्स क्या कहते हैं उसको, स्प्लिंट्स होते हैं, कंप्रेशन डिवाइस उनको कह सकते हैं, या कंप्रेशन कॉज करने वो डिफरेंट वो ऐसे रिस्ट बैंड कहते हैं उसको मैम, एक तो बैंड होते हैं ना, एक तो स्प्लिंट्स जिनको कहते हैं, वो ये इसी पर्पस के लिए होता है कि आप रात को पेशेंट को कह दो कि आपने इसको पहन के सोना ताकि जो है उसको रिलीफ मिले उससे। ठीक है, जिस तरह नी के कुछ हमारे पास वो होते हैं बैंड्स वगैरह, और हम रिस्ट के ऊपर भी एल्बो के ऊपर भी पहनवाते हैं पेशेंट को, तो उससे काफी हद तक जो है पेशेंट को रिलीफ मिलता है जो उसको प्रॉब्लम आ रही है। दूसरे उसके पास इंजेक्शंस हैं, कॉर्टिसोन इंजेक्शंस ये क्या करते हैं, पेन और इन्फ्लेमेशन को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, ये इंजेक्शन के थ्रू हम उसको थोड़ा सा रिलीफ दे सकते हैं। इसके अलावा क्या है, एक्यूट इंक्रीज इन द कार्पल टनल प्रेशर। ठीक है, रिलीफ में भी ऑब्टेन बाय चेंज इन द रिस्ट पोजीशन विदाउट सर्जिकल रिलीफ ऑफ द, अब इस रिस्ट को हम डिफरेंट पोजीशंस इसकी करवाते हैं, उसकी फिजियोथेरेपी जो है ना उनको बेहतर पता है कि किस तरह उसकी मूवमेंट करवा के और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है विदाउट सर्जरी। ठीक है, उसके अलावा व्हेन सिम्टम्स ऑफ द मीडियन नर्व कंप्रेशन डेवलप्स ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ एन एक्यूट कोलीज फ्रैक्चर, द अब फ्रैक्चर है ड्यू टू द फ्रैक्चर जो है वो ड्यू टू द फ्रैक्चर जो है वो उसके ऊपर कंप्रेशन आया था। ठीक है, जब उसका ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं उस फ्रैक्चर का क्या होता है, द कंस्ट्रिक्टिंग बैंडेजेस एंड कास्ट should be loosed and then a wrist should be extended to the neutral position. अब fractures को कैसे treat करते हैं, different fractures को हम लोग जो है वो क्या कहते हैं surgically उसमें कुछ rods वगैरह डालते हैं, कुछ उसको fracture को different तरह से कुछ band जो है वो उसको बाहर बांधते हैं उसको loose करके फिर हम लोग, ताकि उसका compression जो है हमारे wrist के ऊपर ना आए। ठीक है, तो
आया फ्रैक्चर था, लेकिन फ्रैक्चर की ट्रीटमेंट की वजह से जो है ट्रीट उसको कर रहे हैं, उसकी वजह से नर्व पे कंप्रेशन आ गया किसी भी वजह से, तो ठीक है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी जो है वो आप कंप्रेशन डेवलप कर सकते हैं उसको. अच्छा, इसके अलावा पेशेंट विद द इंटरमीडिएट एंड एडवांस क्रॉनिक सिंड्रोम प्रोबेबली आर बेटर ट्रीटेड विद अर्ली कार्पल टनल रिलीज. जितना जल्दी डायग्नोज हो सकेगा उतना जल्दी आप उसको प्रॉपर ट्रीट कर सकते हो. सर्जिकली ट्रीटमेंट, वी ऑल नो सर्जिकली ट्रीटमेंट लास्ट हमारे पास ट्रीटमेंट का एक वो होता है, जब सारे ट्रीटमेंट्स खत्म, जहाँ पे कोई इलाज नहीं हो सकता कंजर्वेटिव, हम लोग मेडिसिन से कोई उसको प्रॉब्लम असर नहीं हुआ उसको, उसको दूसरे फिजियोथेरेपी से कुछ नहीं हुआ, तो लास्ट हमारे पास ऑप्शन सर्जिकली बचती है. तो फिर उसको हम लोग पहले देखते हैं कि हम लोग किस हद तक उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कंप्रेशन क्या कॉज किया है पहले उसको, मे बी कोई फ्लूड जो था वो बहुत ज्यादा उसको सराउंडिंग में सिनोवियल फ्लूड जिसका कंप्रेशन आ गया, हम फ्लूड जो है वो सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं, एस्पिरेट कर सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा और क्या कॉज हो सकती है, जिसने कोई फ्रैक्चर था उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, बोन्स में कंप्रेशन, जो हमारे कॉजेज हैं पहले हम कॉज देखेंगे, उसके बाद हम सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ इस पेशेंट को वो सर्जरी वाले जो है ऑर्थोपेडिक वाले वो इसको बेहतर जो है वो सर्जिकली ट्रीट कर सकते हैं. ठीक है, तो आज का लेक्चर छोटा सा कंप्लीट हो गया. हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम जो क्या है, मीडियन नर्व कंप्रेशन की वजह से कॉजेज, उसके पेन मतलब सिम्टम्स के स्किन सिम्टम्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा, पेन, टिंगलिंग इफेक्ट, नमनेस, ये सारी चीजें जो है वो हमें पता है न्यूरोपैथिकल सिम्टम्स है, किसी नर्व के ऊपर कंप्रेशन आया है जिसकी वजह से वो ये हुआ है. उसके बाद हम लोग उसको डायग्नोज करते हैं, थोड़ा सा उसके टेस्ट कुछ परफॉर्म करते हैं, उसके नर्व के ऊपर टिंगलिंग इफेक्ट जिसको टीनल टेस्ट कहते हैं, आप थोड़ा लेट आए थे, ठीक है आप इसको रिवाइज कर रही हूँ इसलिए. ठीक है, उसको क्या करते हैं हम लोग नर्व के ऊपर इस तरह से टैप करते हैं तो उसको ये वाली पेन आना स्टार्ट हो जाती है. दूसरे नंबर पे हम उसको ये वाली पोजीशन कहते हैं जिसको फेलन टेस्ट कहते हैं, पेशेंट कंप्लेन 30 सेकंड्स के लिए इसको कहेंगे, इस तरह रखो, वो साथ ही कहेगा कि मुझे पेन आना स्टार्ट हो गई है, नमनेस मेरे हाथ में फील हो रही है, दैट मीन्स उसको कार्पल टनल. ठीक है, या ये वाला टेस्ट या उल्टा या रिवर्स फेलन टेस्ट, इस तरह हम लोग उसको 30 से 60 सेकंड्स के लिए इस पोजिशन करते हैं. ये हमारे पास टेस्ट है. ठीक है, अपने बस टेस्ट के नाम याद रखने हैं, उसकी पिक्चर को देख लेना है. ठीक है, उसके अलावा फिर हमारे पास स्किन के अंदर ही ज्यादा ये कार्पल टनल हो सकता है, फीमेल में ज्यादा इसका रेशियो है, मेल में कम है. इसके अलावा वो जो कि हमारे पास टाइपिस्ट वाले लोग होते हैं जिनकी जॉब टाइपिंग वाली है, अब रिस्ट काफी टाइम से इस तरह नीचे है, उसके ऊपर कंप्रेशन आ रहा है, फ्लेक्सर साइड है. ठीक है, उनके अंदर कंप्लेन बहुत ज्यादा कॉमन है कि इसको कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है. ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास ट्रीटमेंट्स थे, हम कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं. इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास MRI CT नॉट रिकमेंडेड है, बट हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्रॉस में आ गया, और MRI और अल्ट्रासोनोग्राफी जो है वो प्रॉपर हमारे इन्वेस्टिगेशन मोडालिटी है टू विजुअलाइज दैट कार्पल टनल सिंड्रोम. अल्ट्रासाउंड पे हमें कैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना है, हमारे पास नॉर्मल 9 to 11 उसका होता है, फिट एक्सीड्स तो हमें पता है उसका एरिया एक्सटेंड हो गया, तो उसके ऊपर कंप्रेशन भी आ रहा है, उसने इलांगेटेड एरिया बना लिया, लंबा सा पिचका हुआ हमें इस तरह फील होगा उसके नर्व के अंदर. ठीक है, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट्स है हमारे पास, वो हम लोग कुछ उसको मेडिसिन से भी ट्रीट कर सकते हैं, उसकी पेन या रिलीफ उसको दे सकते हैं. दूसरा लास्ट ऑप्शन हमारे पास सर्जिकल है, सर्जिकली हम उसको ट्रीट कर सकते हैं. आज का छोटा सा टॉपिक खत्म. ठीक है, अच्छा आप लोगों को सिलेबस पता चल गया होगा, मैंने अनाउंसमेंट में डाल दिया था रात को कि आपका नी तक तो पहले था, एक ही बस टॉपिक डाला है, दैट इज रिस्ट. ठीक है, बाकी तो आप लोग शुरू वाला टॉपिक्स तो कर ही चुके हुए, नी वाला तो मेनली आप लोगों ने रिस्ट ही करना. ठीक है, तो ज्यादा नहीं दिया मैंने तो, ठीक है, क्योंकि मुझे पता चला था कि आप लोगों के साथ ही अगला पेपर है, टाइम कम है, इसलिए मैंने ज्यादा सिलेबस में एक ही टॉपिक रखा है रिस्ट का. उसके अलावा कुछ काफी बच्चों ने मुझे ईमेल्स आई हुई हैं कि टाइम टेबल चेंज करते हैं, आपकी बेडशीट चेंज तो नहीं हो सकती है, तो आपको पता ही है कि एग्जामिनेशन वाले हमारे पास, और अभी तो मेरे पास क्लैशेस वाले बच्चे आ रहे हैं कि एट अ टाइम आपके दो पेपर हैं. अगर आप गए अपना को तो ये चेंज हो सकते हैं 15 को, फिर किसी का क्लैश नहीं आ रहा है. मैम मेरी बात सुनो, आप जो कुछ बच्चे हैं जिनका उसी टाइम पे दो पेपर है, एक ही टाइम पे, आप लोगों को तो टाइम ही नहीं है. मैम 15 किसी का नहीं है पेपर. अच्छा, कुछ है फार्माकोलॉजी का कह रहे हैं हमारे साथ है क्लास में. मैम आप सर अफनान को बोलें कि पेपर लेट कर दें, क्योंकि हम लोगों का एमआरआई का पेपर भी साथ ही है, मतलब 5 को मेडिसिन का है, 6 को आपका है और 8 को एमआरआई का, तो हमारा तो बिल्कुल टाइम नहीं मैनेज हो रहा. तुम लोगों को तो फिर डे मिल गया अगले दिन है ना, कुछ बच्चों को तो एट अ टाइम एक ही टाइम पे दो पेपर है, उसका कोई हल नहीं निकला, और हमें अफनान ने बोला की आधा टाइम हमको दो, उन्होंने आगे पीछे पेपर देने, आधा आधा घंटे, एक घंटे का पेपर आधे घंटे में वो एक पेपर देगा, आधे घंटे में वो दूसरा पेपर देगा.
इस तरह भी पेपर देने को दे रहे हैं, वो उस पर नहीं मान रहे तो तुम लोगों को दिन चेंज करेंगे वो लोग, कभी भी नहीं होगा, तो तुम लोगों को तो पूरा दिन मिला हुआ अगला। ठीक है, तो टॉपिक आप लोगों के पास इसका तो थोड़ा सा रिस्ट का ही है, बाकी तो आपको बस रिवाइज करने वाली चीजें हैं जो पहले से हमको आपको पढ़ लिया हुआ है। इमेजेस देख लेना जरा, जो कंफर्म इमेजेस है ना, जो सही से आप देख पा रहे हो कि ये चीज है। नी का देखा था हम लोगों ने कि दोनों बोन सेंटर में मेनिस्कस अगर लेबल करने को दे रही हूँ, ऊपर अगर व्हाइट कलर का बैंड नजर आ रहा है तो वो कोई लिगामेंट ही हो सकता है जो बोन्स को यूनाइट कर रहा है। अगर कोई मसल नजर आ रहा है और आगे कॉन्टिन्यूशन है व्हाइट बैंड नजर आ रही है तो वो टेंडन होगा। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको लाइव भी दिखाई है, इस तरह की कंफर्म इमेजेस को जरूर देखना। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई नर्व दिखा रही हूँ तो नर्व भी कंप्रेस प्रॉपर नजर आ रही है उसको एक्सियल के अंदर व्हाइट डॉट्स के अंदर, जो कि आपको जनरली मैं चीजें बता चुकी हूँ कि जनरली ये चीजें हमने मस्कुलोस्केलेटल में देखनी होती है और वो इस तरह नजर आती है। लिगामेंट कैसे नजर आता है, टेंडन कैसे नजर आता है, मसल कैसे नजर आता है। ठीक है, हनीकॉम अपीयरेंस इसमें नजर आती है। ठीक है, नर्व हमारे जो जिसमें शॉर्ट शॉर्ट आपको डॉट्स नजर आते थे, ये हमने सबसे पहले लेक्चर में देखा है, हमने लाइव भी देखा है इसको अल्ट्रासाउंड करते हुए कि हमारे पास ये तीनों चीजें हमारे पास कैसे नजर आती है। इमेजेस देख लेना, ठीक है, कन्फर्म इमेजेस होंगे बहुत, आप ये ना कहना आपके लेक्चर में से ही होंगे, क्लियर इमेजेस होंगे, फौरन आप उसको देख सकोगे। ठीक है, उसके अलावा एमसीक्यूज है वो तो सीधे सीधे एमसीक्यूज होंगे, लेक्चर में से कुछ सिनेरियोस बना सकती हैं जिस तरह मैंने पहले बनाए थे कि आपको कंप्लेंट्स पता हो और आपको पता हो कि इन एथलीट्स के अंदर ये पेन आ रही है। ठीक है, वो टेबल को देख लेना अच्छे से, जो टेबल कंप्लेंट वाला था ना कि अगर कोई ट्रॉमा है, ट्रॉमा के अंदर अब हमें पता था कि ये वाला लिगामेंट या ये टेंडन रप्चर हो गया। ठीक है, तो अगर मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ कि वो गिर रहा है, डैट मीन्स उसको ट्रॉमा ही है। अगर वो इंटीरियर गिर रहा है, पोस्टीरियर गिर रहा है, वो चीज है, वो भी आपको पता होनी चाहिए कि इंटीरियर उसकी ज्यादा पोजीशन इस तरह का काम है तो आपको इंटीरियर वाली चीजें पता होंगी। ठीक है, इंटीरियर पोस्टीरियर वाली अगर कोई सिनेरियो इस तरह का आता है तो। ठीक है, कि ये वाला कोई था उसका ये काम था, हैमर वाला काम था उसका, इस तरह मैंने कुछ आपको बताई है, इस तरह के कुछ सिनेरियोज हो सकते हैं, वरना जो है क्लियर क्लियर मेन मेन वहीं से उठा था। एसिक्यूज जो है वो सिर्फ दो नंबर का, ज्यादा से ज्यादा बड़ा भी हुआ तो दो नंबर का होगा, बहुत बड़े एसिक्यूज नहीं होंगे। ठीक है, उसमें अभी आपको बस कोई डेफिनेशन पूछ लूंगी या कोई ऐसी चीज देखती हूँ, अगर मैं एमसीक्यूज देने हुए तो दे दूंगी, नहीं तो कोशिश करूंगी एमसीक्यूज और एक डेढ़ चीज ही रखूंगी। ठीक है, लेकिन अभी एमसीक्यूज देखती हूँ, अगर बना तो, वरना मुझे नहीं लग रहा कि शायद बने, बना भी तो दो दो नंबर का कोई सीधा सीधा पूछ लूंगी, नंबर को देखते हुए आंसर करना। ठीक है, अगर ज्यादा नंबर का है तो उसके लिए उसी तरह उसके डिटेल लिखना कि आपको, अगर पांच नंबर का है तो तीन चीजें पूछी होंगी मैंने, दो दो करके उसका नंबर होगा तो उनको डिफाइन करना। वैसे ही अगर छोटा सा है तो डायरेक्ट उसका पॉइंट बस लिखो कि ये चीज है, लंबी लंबी कहानियां मत लिखना। ठीक है, तो वो दो दो नंबर का, इससे बड़ा मैंने कोई क्वेश्चन नहीं देना आपसे, इजी सा होगा, पता है आप लोगों के एक पेपर आगे पीछे ही आ रहे हैं, लेकिन ये मैं आपको पहले कहती रही थी, तैयारी पूरी रखो, आपके पास टाइम शॉर्ट है, मिड्स की तैयारी रखो, मिड्स की तैयारी रखो, एक ही टॉपिक मैंने इंक्लूड किया है बस। ठीक है, सिक्स को है ना, सिक्स को, ठीक है, पेपर भी नहीं बनाया मैंने अभी, पेपर बना लूंगी, पेपर बना कर दिखा दो, तैयारी कर लो। और मुझे पता है हम लोग भी स्टूडेंट लाइफ से गुजरे हुए, एक दिन पहले ही करना होता है हम लोगों ने भी तैयारी। हम इजी बनाना, हाँ हाँ, टेंशन भी ले रही है, पूछूंगी तुम्हारा नाम क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है। मजे की बात, मुझे मिस करल बता रही थी, कहती मैंने इतना इजी पेपर दिया एक, पता नहीं कौन सा था, उसमें भी बच्चों ने एक एक दो दो नंबर लिया, जिससे मुझे पता चल गया बच्चों का लेवल क्या है। कहती जो मर्जी कर लो, इजी दे दो, मुश्किल दे दो, बच्चों ने फिर भी उतना ही नंबर ले लिए। अच्छा, मेरा तो सीधा सीधा इजी होता है, अभी भी फिर भी बच्चे कहते हैं मेरा पेपर मुश्किल होता है। मिस करल सिनेरियो ज्यादा देती है, मैंने सुना, चलो अच्छी बात है, आपकी तैयारी हो जाती है। ठीक है, फिर इंशाल्लाह जो है आप आगे मुलाकात करेंगे, आपके थोड़े से और छोटे छोटे टॉपिक रह गए, जल्दी से एग्जाम से फारिग हो जाओ, फिर हमारे पास टाइम है, टाइम होगा कि हम लोग अपना प्रैक्टिकल्स कर सके। ठीक है बेटा, आप लोग अब लीव कर दो, मैं भी मन करने लगी हूँ, टेक केयर, अल्लाह। आपको क्वेश्चन तो नहीं है किसी का, कोई पूछे, एग्जाम का समझ आ गया, सिलेबस का पता चल गया। अभी भी मुझे कुछ बच्चों की ईमेल्स आई थी, मैं सिलेबस कम कर दें, मैं एक टॉपिक दिया है आपको, एक टॉपिक में भी कम कर दूं, क्या कम करूं। ठीक है, रिस्ट है, नहीं तो आप पढ़ चुके हैं, उसका रिवाइज करना है बस आपने, तो इसलिए बस रिस्ट को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, कंपार्टमेंट्स अच्छे से देखना उनके, रिस्ट के जरूर देखना मिलके,
फर्स्ट कंपार्टमेंट में कौन से टेंडेंस थे, सेकंड थर्ड फोर फाइव सिक्स किस साइड से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, कंपार्टमेंट्स रिस्ट के अच्छे से देखना, इमेजेस अगर कुछ समझ आ रही है तो उनको गौर कर लेना, ठीक। चलो ठीक है फिर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मैम, हाँ जी मैम, मेरी ना मेमोग्राफी की असाइनमेंट थी तो वो अपलोड नहीं हो रही थी मैम, मैंने 3 घंटा अपलोड की, वो शायद ज्यादा थी MBs और मुझे कंप्रेस करना नहीं आता था, तो मैंने आपको मेल कर दी थी। मैंने कहा था जिनकी नहीं हो पा रही है वो मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दें, क्योंकि LMS में कोई मसला आ रहा है तो मैं फिर उसको एक्सेप्ट कर लूंगी ईमेल के, ठीक है। तो मैम वो तो मैंने आपको मेल की हुई है मैम, वो ज्यादा था शायद कंप्रेस नहीं हो रहा था, 3 घंटे मैंने ट्राई की। आपने उसी दिन ईमेल की है कि लेट की है? जी मैम उसी दिन किया, पहले ही किया मैंने मैम, मेरे साथ भी ठीक है, अगर उसी दिन पहले करती है तो कोई मसला नहीं। मैम जी, मैम मेरा भी यही इशू आ रहा था, अपलोड हेलो सेंड कर दी है ना, किसी ने किसी थ्रू तो सेंड कर दी है ना, मैं देख लूंगी बस। तुम लोगों को कोई ना कोई ड्रामे ही चाहिए होते हैं, किसी का ये इशू, नेट वाले इशू कब खत्म हो, ऑनलाइन क्लासेस खत्म हो, जान छूटे कसम से, इतने इश्यूज आते हैं नेट की वजह से। मेरा ख्याल है मिड के बाद तो ऑब्वियसली फिर सारा कुछ ऑन कैंपस ही होगा, फिर तो ऑनलाइन सारा खत्म हो जाना है आपके, ये सब कुछ जो के चल रहा है सब खत्म, सब ऑन कैंपस, जान छूटेगी कसम से, बहुत टेंशन है ऑनलाइन की। आप लोगों को शायद इजी लग रहा हो या कुछ इस तरह, हम लोगों के लिए ये टेंशन है, एक 300 बच्चा है मेरे पास, ठीक है, अब उनकी असाइनमेंट आपके पास ईमेल एक एक को देखना, और उसके बाद मैं तो एक एक चीज पढ़ती होती हूँ, ठीक है, बाकी तो ठीक है वो देख लेते होते, मैं तो निकालती होती हूँ, मुझे तो कोई बच्चा मिले कॉपी पेस्ट वाला मार्क्स कम करने के लिए, ठीक है, मुझे तो मजा आता है। मिल गई है बस, ठीक है, जिनकी हो गई है असाइनमेंट जिस भी तरह, मैं देख लूंगी इनको असाइनमेंट को। उसके अलावा मैंने आपको बताया था जिनके मेरे पास क्विज रह गए हैं, अब मिड्स के बाद मैंने सबकी मार्क्स अपलोड करना शुरू करनी है, जो अब तक की असेसमेंट्स हो चुकी हुई हैं। क्विज किसी वजह से, किसी वाकई जिनका कोई प्रॉब्लम था जिसकी वजह से वो क्विज नहीं दे सके थे, वो मुझे एप्लीकेशन सबमिट करवाएं उस दिन जिस दिन आपका मैंने असेसमेंट लेना है, वो जो क्लास पार्टिसिपेशन वाले मार्क्स, और मैं ऊपर आपके जो अल्ट्रासाउंड रूम है ना उधर ही लूंगी, ठीक है, साथ में मोबोलॉजीज की कुछ चीजें एक दो पूछ लूंगी और एक दो क्वेश्चन करके आपको क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स देने हैं, तो वो 5%, और जिनकी कोई प्रॉब्लम की वजह से क्विज नहीं दे सके, वो मुझे उस दिन एप्लीकेशन अप्रूव्ड की हुई सर से कि मेरा ये मसला था और सर ने अप्रूव कर दिया, तो मैं उसके फिर 10%, वो जो 5% क्विज के थे वो फिर 10% का उनसे वाइवा टाइप ले लूँ, और वो 5% के वो फिर वहां पे एडजस्ट कर लूँ, सिर्फ उस वक्त का टाइम है, आप लोग अपनी प्रूफ करा लो जिनके रह गया था क्विज, ठीक है, अदरवाइज जो है जिनका रह गया 5% था, ठीक है। मैम ये कब है असेसमेंट? ये आपके मिड्स के बाद होगी, ठीक है मैम, मेरा रह गया था क्विज, ठीक है, तो वो आप फिर एप्लीकेशन सर से साइन करवा लेना कि कोई भी जो भी रीजन है आपकी, अगर सर उसको अप्रूव करते हैं तो वो मुझे एप्लीकेशन दे देना, मैं आपके असेसमेंट के साथ उसको एडजस्ट कर दूंगी, ठीक है। अच्छा चलो ओके, अल्लाह हाफिज़।